पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो मैं ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट यूज करता हूं, तो उन्होंने एज अ जेस्टर को ये भेजा है। ऐसे प्रोडक्ट उन्होंने भेजा है जो मैं इसमें यूज नहीं करता हूं। तो मतलब कि चलो इसका एक रिव्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आपके पास भी गाड़ी या बाइक है और आप उसकी साफ सफाई करते हैं तो आपके पास ये प्रोडक्ट होने चाहिए। और ये जो हम साफ करेंगे फ्रेंड्स, माइक्रोफाइबर क्लोथ से करेंगे, नॉर्मल क्लोथ से नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे पता ही होगा द रीजन, इसकी गाड़ी में स्क्रैच आते हैं। जो माइक्रोफाइबर क्लोथ होता है वो काफी सॉफ्ट होता है। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा जिसमें मैं गाड़ी की इंटीरियर क्लीनिंग कर रहा हूँ या फिर पॉलिश वाला जो वीडियो था मेरा, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप गाड़ी साफ करें वगैरह जो भी करें तो आप माइक्रोफाइबर क्लोथ से करें। तो खैर अपने पास है, उन्होंने भेज दिया, कोई नहीं आगे काम आएगा। उसके अलावा उन्होंने सबसे सही चीज मेरे को भेजी ना, वो ये एकदम सही चीज है। मतलब ये ग्लव्स टाइप का है, इसको आप इंटीरियर के लिए यूज करना चाहोगे, जैसे दो है तो आप इंटीरियर के लिए चाहे यूज कर लो चाहे एक्सटीरियर के लिए। जैसे कई बार होता है कि अपन ने क्या मतलब बाल्टी में जैसे सर्फ घो लेते हैं एक्सटीरियर धुलने के लिए और उसमें डाल करके ऐसे पूरा साफ कर दिया, या फिर कहीं ऐसी जगह जहां पे हम नॉर्मल कपड़े से पहुंच नहीं पाता हमारा हाथ, बट इसको ऐसे दस्ताना बनाकर ऐसे ग्लव्स बनाकर आप कहीं भी डाल सकते हैं। खैर मैं तो इसको इंटीरियर के लिए यूज करने वाला हूं, क्योंकि मेरी जो गाड़ी है मतलब उसका एक्सटीरियर के लिए मैंने एक भैया को रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था जिसमें हमने गाड़ी की इंटीरियर क्लीनिंग करी थी। अगर आप वीडियो को पहले से देख रहे हैं चैनल पे पहले से हैं तो एक्सटीरियर तो वही करते हैं, मैं इंटीरियर के लिए इसको यूज करूंगा। तो चलिए गाड़ी में चल के देखते हैं कि इंटीरियर में से कितना फायदा होने वाला है। अगर धूल दिख रही होगी, नॉर्मली इसको कपड़े से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको दिखाता हूं कि अगर अपन इसको यूज कर रहे हैं अपने इस क्लोथ को तो कितना आसानी से हो जा रहा है। मैंने इसको डाला और पूरा इसको ऐसे गोल गोल घुमा दिया, अब देखो पूरा साफ हो गया। क्या सही चीज है, मतलब इंटीरियर के लिए। आप चाहो तो इसको दो मंगा सकते हो, एक इंटीरियर के लिए और एक एक्सटीरियर के लिए, अगर आपको लगे कि आप ये वर्थ इट है। तो मैं आपको पूरी गाड़ी साफ करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इंटीरियर क्लीनिंग के ऊपर अपन एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, उसका लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि कैसे मैं गाड़ी को पूरा एकदम चमचमाते हुआ रखता हूँ। तो ये काफी सही चीज है, मतलब एक इंटीरियर के लिए मंगा लो। मेरे पास जैसे एक है नहीं तो मैं एक ऑर्डर करूंगा एक्सटीरियर के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि भैया हमेशा मिले और साफ करें, तो बट उसे साफ करने के लिए। तो अगर आपको ये चीज सही लग रही है और या फिर अगर आपके पास माइक्रोफाइबर क्लोथ नहीं है और आप चाहते हो उसको ऑर्डर करना, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। बट ट्रस्ट मी, आप एक तो ये जरूर मंगाना यार, मुझे बहुत पसंद आया, ये बहुत सही चीज है कि हाथ वहां भी पहुंच जाएंगे जहां पे आप नॉर्मल कपड़ा लेकर के नहीं पहुंचते, या फिर आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। और इवन जैसे कि अगर मुझे कुछ अगर मैं कोई चीज इससे साफ कर रहा हूं तो तुरंत निकाल दे, मेरा हाथ भी उतना गंदा नहीं हुआ, तो काफी बढ़िया चीज है। वीडियो बना रहा था मैंने भैया को देखा, तो देखो ना मेरे कोई कंपनी ने भेजा ये कपड़ा, तो मतलब इसे क्या है कि मतलब गाड़ी भी साफ करने के लिए चाहे सकेंगे आप उससे कर रहे हो, तो आपको लगता है कि इस तरह की चीज से कुछ फायदा होगा, जैसे मतलब आप उससे कर रहे हो और सीधे उसको हाथ में डाल दिया। काम की चीज लग रही है आपको ये? काम तो लग रहा है। लग रहा है तो उससे आपको सीरियसली साफ बढ़िया साफ हो जाता है आपका, और ऐसी कोई चीज मिल जाए आपको तो अच्छा गाड़ी बढ़िया साफ होगी, स्क्रैच भी नहीं आएगा। बस ये इस कपड़े से आपको लगता है नहीं गाड़ी में स्क्रैच आ जाएगा? नहीं आता है। चलो भैया को तो ये चीज पसंद आई जिनका काम ही है। डेली कितनी गाड़ी साफ कर देते हो? 35 गाड़ी दिन भर में। भैया एक दिन में 35 गाड़ी साफ कर देते हैं, तो भैया ने इसको सर्टिफाई कर दिया और मैंने आपको उसको तारीफ करने के लिए पैसे से नहीं दिया ना। चलो ठीक है, तो वीडियो को छोटा रखते हैं यहीं पे, मतलब खत्म करते हैं। और थैंक यू सॉफ्टकॉन मुझे ये पैकेट भेजने के लिए, और काफ़ी पसंद आया मेरे को।